हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल कक्षा एकेडमी। सो टुडे इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 4, स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? सो वी ऑल हैव अ स्केलेटन इनसाइड अ बॉडी एंड द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन एंड दैट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ अ बॉडी। सो स्केलेटन हमें क्या करता है, हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, ओके, एक शेप देने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है। एंड अगर ऐसा ना होता तो हमारी बॉडी कैसी होती, एक फ्लैट एंड विगली होता ना, जेली लाइक हमारी बॉडी, सिर्फ एक बोलते हैं ना, जैसे जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, मांस का टुकड़ा होता है, पीस ऑफ फ्लैश, इसी तरीके की हमारी बॉडी होती। एंड वी हैव अ प्रॉपर शेप, है ना, हमारा फेस है ना, बॉडी का एक प्रॉपर शेप है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्केलेटन सिस्टम। सो हेयर यू कैन सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्कल। स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स सेंस ऑर्गन्स सच एज आईज, ईयर्स एंड नोज। द अडल्ट ह्यूमन स्कल्स इज मेड अप ऑफ 22 bones and the only part of the skull that is movable is lower jaw and because of it we are able to eat and talk. So the only movable part is lower jaw, क्योंकि इसी की हेल्प से हम खाना खाते हैं और बोलते हैं। 22 bones होती हैं हमारे skull में, okay? Then next part is shoulder. So the shoulder blade or scapula is a flat bone with a broad triangular surface and it is attached to the rib cage by the muscles. तो ये हमारी रिब केज से अटैच होती है शोल्डर बोन, जिसको हम स्कैपुला भी बोलते हैं, ओके। देन वी हैव रिब केज एज वेल। रिब केज जो होता है ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। सो इट इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स। ईच बोन्स इज नोन एज अ रिब and the ribs are joined to breastbone in the front and backbone at the back. Only the last two pairs of ribs known as floating ribs are not attached to the breastbone and but only to the backbone. So the rib cage protects heart and lungs of our body. So जो सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं हमारे, उनको प्रोटेक्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है स्केलेटन सिस्टम, ओके। जैसे शेप प्रोवाइड करना एक हेल्प हो गया, मूवमेंट में बॉडी की हेल्प करना, इसी तरीके से हमारी बॉडी के जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन, ब्रेन, लंग्स, ओके, इनसे बचाने में भी हेल्प करता है। देन आर्म्स बोन आर देयर। वो हमारे आर्म्स में कौन सी बोन होती हैं? सो हेयर यू कैन सी ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, थ्री बोन्स आर देयर इन आर आर्म्स। ईच आर्म इज अटैच टू द शोल्डर ब्लेड एंड द अपर पार्ट ऑफ द आर्म हैज लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस। द लोअर बोन बिलो द एल्बो कंसिस्ट ऑफ द टू बोन्स नेमली रेडियस एंड अल्ना, एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर। And the hand and the wrist have as many as 50 bones. So collectively there are 50 bones in our hand. Okay. Now let's discuss bones in legs. So in legs also we have three bones. Teen bones hoti hai hamari legs mein. Femur, tibia, and fibula. Okay. These three bones are there. The upper part of the leg or thigh has the longest bone in the body is called femur. Okay, so ये सबसे लंबी bone होती है हमारी body की, femur. The part of the leg between knee and the foot has two bones, namely tibia and fibula. So feet are made up of many small bones. तो हमारे पैर कई सारी छोटी छोटी bones से मिलके बने होते हैं, और जो बीच में पार्ट होती है हमारी घुटनों से और एड़ी तक का जो पार्ट होता है ये दो बोन्स का बना होता है, जिनका नाम है टिबिया
एंड फिबुला, ये आप देख सकते हैं. ओके, देन वी हैव बैकबोन और स्पाइन. सो एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लोअर रीजन ऑफ द बैक. इट इज़ मेड अप ऑफ 33 बोन्स कॉल्ड वर्टीब्रे. ओके, टुगेदर दे फॉर्म अ कॉलम कॉल्ड वर्टीब्रल कॉलम एंड द स्पाइन प्रोटेक्ट द स्कल एंड द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड. दैट इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स दैट सेंड्स मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द स्पाइन अलाउज अस टू ट्विस्ट बेंड एज वेल एंड होल्ड्स आर बॉडी स्ट्रेट और अपराइट. तो जो बैकबोन हमारी होती है ये हमें हेल्प करती है स्ट्रेट बैठने में, है ना, खड़े होने में, क्लियर, बेंट होने में, झुकने में हेल्प करती है हमारी ये. और 33 बोन्स होती हैं जिनको हम वर्टीब्रे बोलते हैं, इनके जो कॉलम पूरा मिल के जो बनता है उसको हम वर्टीब्रल कॉलम बोलते हैं. ओके, एंड ये हमारे सॉफ्ट ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती है. स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हमारे ब्रेन से लेकर और लोअर पार्ट तक की एक नर्व सेल से बनी हुई पूरी कॉर्ड होती है जो हमारे पूरे ब्रेन में रिफ्लेक्स एक्शन जिनको आप बोलते हो, है ना, मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम करती है. तो जब भी कोई सडन रिएक्शन करना होता है बॉडी को तो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है. ठीक है, तो ये सारे हमारे स्केलेटल सिस्टम के पार्ट थे. अब फंक्शंस जैसे पढ़ते हैं. बोन्स आर हार्ड आउटसाइड बट सॉफ्ट इनसाइड. द सेंटर ऑफ द बोन इज सॉफ्ट एंड स्पंजी एंड कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो. द बोन मैरो मेक्स रेड ब्लड सेल्स. तो बोन मैरो हमारा क्या बनाता है, RBCs बनाता है, रेड ब्लड सेल बनाता है. एंड आर स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर इट गिव्स शेप्स एज आई ऑलरेडी डिस्कस. इससे हमें शेप मिलता है, स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी लाइक द बीम्स ऑफ द बिल्डिंग. जैसे बिल्डिंग्स में हम नहीं बीम्स लगाते हैं, पिलर्स लगाते हैं. सो उस तरीके से हमारी बॉडी को भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हमारे ब्रेन, रिब्स जैसे है, हमारी हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. बैकबोन हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. तो जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारा स्केलेटल सिस्टम हेल्प करता है. बोन्स हमें हेल्प करती हैं मूव होने में, है ना, दे आर अटैच टू मसल्स. सो व्हेन मसल्स मूव बोन ऑल्सो मूव. तो ये सारे फंक्शंस होते हैं हमारी बोन्स के. क्लियर, चलिए अब डिस्कस करते हैं जॉइंट्स के बारे में. जॉइंट्स क्या होते हैं, जो हमारी बोन्स जहाँ पर अटैच होती हैं ना, दो बोन्स आपस में मिलती हैं उसको हम बोलते हैं जॉइंट. सो द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ अ जॉइंट एंड द टिश्यू दैट जॉइंट्स टू बोन्स और होल्ड्स देम टुगेदर इज कॉल्ड लिगामेंट. सो ऐसा जो टिश्यू होता है जो हमारी बोन्स को, जैसे टेप से हम दो चीज़ों को जॉइन करते हैं ना, तो टेप जो काम करता है, या किसी रस्सी से अगर हम दो चीज़ों को बांधते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो हमारी दो बोन्स होती हैं उनको आपस में अटैच रखने का काम करता है लिगामेंट. ओके, वी कैन बेंड मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर बॉडी बिकॉज ऑफ दी जॉइंट्स. जॉइंट्स इन द स्कल आर ओनली जॉइंट्स इन आर बॉडी दैट कैनॉट मूव एंड आर थस कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स. तो हमारी बॉडी के जो स्कल वाले पार्ट में जो बोन्स होती है ना, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो स्कल में जो जॉइंट्स हैं लोअर जॉ को छोड़कर, जो भी स्कल के सारे जॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इमूवेबल होते हैं, ये फिक्स होते हैं. ओके, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो. देन ऑल अदर जॉइंट्स इन आर बॉडी कैन मूव एंड आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स. डिफरेंट मूवेबल जॉइंट्स परफॉर्म डिफरेंट मूवमेंट्स. जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है आपका, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा शोल्डर में प्रेजेंट होता है. यहाँ आप देख पा रहे हो जैसे कि शोल्डर और हमारा जो हिप जॉइंट होता है ना, जो लेग को जोड़ता है हमारी हिप से, और जो शोल्डर जॉइंट है वो हमारा जो शोल्डर को, हैंड और शोल्डर के बीच में जो जॉइंट होता है. दिस टाइप ऑफ जॉइंट इन्वॉल्व्स टू बोन्स, वन विद अ राउंड बॉल लाइक एंड अदर विद अ कप लाइक कैविटी. तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें,
और एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर एक बॉल को छोटी सी आप एक कप में रखोगे ना, किसी कटोरी में या कप में डालोगे, तो वो उसके अंदर घूमने लगती है, घूमती है। दो द राउंड एंड ऑफ द वन बोन फिट्स टू द कप लाइक सॉकेट ऑफ द अदर बोन एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर फाउंड इन शोल्डर एंड हिप्स। दीज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट सच एज बेंडिंग, स्ट्रेचिंग एंड रोटेटिंग। सो हेयर यू कैन सी दिस इज बॉल सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पे एक साइड पे आपका कप लाइक स्ट्रक्चर है और दूसरा बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो आपका उसमें फिक्स है, अटैच है ना, ये आप देख पा रहे हो। तो शोल्डर में अवेलेबल है हमारी, और हिप जॉइंट में भी इस तरीके का जॉइंट अवेलेबल होता है, ठीक, जहाँ पर एक राउंड शेप्ड दिया हुआ है और दूसरा नॉर्मल है, जिसमें कि नॉर्मल क्या एक कैविटी टाइप की होती है ना अंदर, तो उसमें फिक्स हो जाता है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड बॉल सॉकेट जॉइंट। देन वी हैव हिंज जॉइंट। ओके, सो दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन नीज, टोज, एल्बोज एंड फिंगर्स। इट इज़ लाइक हिंज, यानी मेटल क्लिप, सो ऑन अ डोर दैट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली। जैसे मेटल डोर में लगे होते हैं ना हिंज या मेटल क्लिप लगी होती हैं, जिनसे हम डोर को एक डायरेक्शन में ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। द जॉइंट अलाउज मूवमेंट सच एज बेंडिंग द एल्बोज एंड टचिंग द शोल्डर्स विद आर फिंगर्स। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, है ना। तो ये हमारा कैसा जॉइंट है, एल्बो जॉइंट जो दिया हुआ है आपका, ये हिंज जॉइंट है। इसी तरह से हमारे नी में जो जॉइंट होता है वो कैसा होता है, हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। क्लियर, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट अस सी पाइवट जॉइंट। सो पाइवट जॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जॉइंट यू कैन से, एंड ये हमारे स्कल को हमारी जो लोअर बॉडी होती है उससे जोड़ता है। बिटवीन स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इट अलाउज मूवमेंट ऑफ हेड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड साइड वेज। जो हमारा हेड मूव करता है ना हर एक डायरेक्शन में, तो अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइड वेज जो मूवमेंट करते हैं वो हम इसी की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लोअर जो टू वर्टिब्रेज हैं वर्टिब्रल कॉलम की हमारे स्कल से अटैच्ड हैं, तो इस जॉइंट को हम बोलते हैं पाइवट जॉइंट। ओके, देन वी हैव ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या होगा, यहाँ पर एक बोन दूसरी बोन के ऊपर ग्लाइड करती है। ओके, द ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर फाउंड इन रिस्ट, एंकल्स एंड बिटवीन द वर्टीब्रे इन द बैकबोन। दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स हेल्प इन बोन्स ग्लाइड ओवर ईच अदर एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लाइडिंग जोन दैट वी कैन बेंड, टर्न एंड ट्विस्ट। जैसे हम अपनी हाथों से, है ना, फिंगर्स से लिख पाते हैं, चीज़ें कर पाते हैं, वो किसकी वजह से हो पाता है, वो इसी ग्लाइडिंग जॉइंट की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ट्विस्ट करना, टर्न करना, बेंड करना, ये सारी चीज़ें। देन वी हैव कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ टफ इलास्टिक टिश्यू दैट इज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर बॉडी सच एज द जॉइंट्स इन द एंकल्स, नीज, एल्बोज एंड बिटवीन वर्टिब्रे इन बैकबोन्स। तो कार्टिलेज क्या करता है, एक सॉफ्ट ऑर्गन्स होता है, जैसे आपके ईयर्स होते हैं ना, ईयर्स और नोज़ वाला जो पार्ट होता है सॉफ्ट हल्का सा, ये बोन्स का बहुत सॉफ्ट वर्जन आप बोल सकते हो, होता है एक इलास्टिक टिश्यू है ना, एक तरीके का, ठीक है। इज़ अ टफ इलास्टिक टिश्यू इज़ फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज एंकल्स, नीज, एल्बोज, है ना, एंड बिटवीन वर्टिब्रे इन बैक बोन। कार्टिलेज प्रिवेंट्स आर बोन फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड वियरिंग आउट। आर नोज एंड ईयर ऑल्सो मेड अप ऑफ सॉफ्ट कार्टिलेज। मूवमेंट ऑफ आर बॉडी हैपन्स वेन कार्टिलेज एंड बोन्स वर्क टूगेदर विद मसल्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नॉलेज चेक देख लेते हैं। पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन, तो स्कल
सॉफ्ट एंड स्पंजी सब्सटेंस इन द बोन इज कॉल्ड बोन मैरो, द लॉन्गेस्ट बोन लेग बोन में थी ना फीमर, एंड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम. सो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर डिजिटल कक्षा एंड विल डिस्कस मस्कुलर सिस्टम इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. टिल देन हैव अ नाइस डे. गुड बाय. टेक केयर. बाय बाय.